आज मेरा दोस्त अरुण चला गया। एक तरफ कर्तव्य भाव से बंधा हुआ हूं, दोस्ती का एक सिलसिला भावनाओं से भरा हुआ है। भाई अरुण को आदर पूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। देश के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का निधन शनिवार को एम्स में हुआ। अरुण जेटली बीजेपी के कई बड़े नेताओं में शुमार रहे हैं। उनके निधन से बीजेपी को गहरा झटका लगा है। गौरतलब है कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री रहे अरुण जेटली अब भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेता कहलाएंगे। जेटली का उत्तर प्रदेश से भी गहरा नाता रहा है। पार्टी ने उन्हें उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा भेजा था। जेटली ने सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली को अपना नोडल जिला चुना था। जेटली के प्रतिनिधि और बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने मीडिया को बताया कि रायबरेली के विकास के लिए पूर्व वित्त मंत्री लगातार चिंतित रहते थे। जेटली मानते थे कि कांग्रेस के गढ़ रायबरेली को विकास की अभी बहुत जरूरत है। उन्होंने नोडल जिला रायबरेली के लिए अपनी सांसद निधि से 250 सोलर लाइट लगाने का पत्र जिलाधिकारी को लिखा था। इस कार्य के लिए उन्होंने सांसद निधि से 2.5 करोड़ रुपए भी खर्च किए थे। उन्होंने कहा कि जेटली ने रायबरेली के लिए विकास योजनाओं के प्रस्ताव भी मांगे थे। उनकी बीमारी के कारण तय तारीख से एक सप्ताह पहले 100 सोलर लाइट लगाने का प्रस्ताव बनकर विकास भवन पहुंचा था। बीमारी के कारण बहुत सारे काम अटके हुए थे। उनकी सोच मानो विकास पुरुष जैसी थी। पुराने दिनों को याद करते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने बताया कि अरुण जेटली का लखनऊ से गहरा संबंध था। वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चुनाव प्रचार से हमेशा जुड़े रहते थे। जेटली अटल जी के नामांकन से एक दिन पहले ही लखनऊ आ जाते थे और नामांकन पत्र की खुद ही बारीकी से जांच किया करते थे। वो नामांकन के समय अधिवक्ता की हैसियत से अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हमेशा मौजूद रहते थे। चुनाव प्रचार के दौरान जेटली खुद वकीलों के बीच जाकर बीजेपी के लिए वोट मांगते थे। साल 2007 में जेटली को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था। जेटली ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष रहते हुए उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए भी काफी काम किया था। 28 दिसंबर 1952 को जन्मे अरुण जेटली ने 24 अगस्त 2019 को दिल्ली स्थित एम्स में आखिरी सांस ली। वो 66 साल के थे।